यहाँ पर उपस्थित प्रदेश के अध्यक्ष अमित जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, मोहंती जी, अल्पेश जी, नरेश भाई, मनीष भाई, जयराज जी, अमीबेन जी, सभी यहाँ पर उपस्थित कांग्रेस के नेता, प्रेस के सभी साथी, आप सबका इस पत्रकार वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बड़ी हर्ष है और खुशी है कि कल 12 तारीख को कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक कल गुजरात में होने जा रही है। पहले 28 तारीख को ये बैठक तय थी, लेकिन जिस प्रकार से सीमा पर तनाव था उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त ये फैसला किया कि हम 28 की बैठक पोस्टपोन करें, आगे करेंगे, और 12 मार्च को ये बैठक करने का फैसला हुआ। 12 मार्च ये इतना शुभ दिन है कि 12 मार्च के दिन गांधी जी ने गांधी यात्रा की शुरुआत की। साबरमती आश्रम से बापू जी निकले और देश में अंग्रेजों के खिलाफ की जो लड़ाई थी उसको एक नया रूप मिला। कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक अहमदाबाद में हम करने जा रहे हैं। कल के मीटिंग में कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी, यूपीए की चेयरपर्सन आदरणीय सोनिया जी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और समस्त कांग्रेस की लीडरशिप कल अहमदाबाद में आएगी। और ये जो मौका है कि 12 मार्च को ये CWC बैठक सरदार पटेल नेशनल मेमोरियल में हम करने जा रहे हैं, गुजरात ने हर वक्त इस देश को दिशा देने का काम किया। बापू जी के माध्यम से, सरदार पटेल जी के माध्यम से ये दिशा थी, और पिछले 5 साल में सही मायने में इस देश को फिर से दिशा अगर किसी ने दी है तो वो गुजरात ने दी है 2017 के विधानसभा के चुनाव से। तो इसलिए लोकसभा चुनाव के पहले की सबसे बड़ी रैली और कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हम अहमदाबाद में कल करने जा रहे हैं। ये गुजरात के लोकसभा चुनाव का तो शुभारंभ होगा ही, लेकिन देश के कांग्रेस के लोकसभा चुनाव की शुरुआत हम कल से करने जा रहे हैं। इसमें सुबह करीब 9:30 के आसपास हम गांधी आश्रम में, वहाँ पर प्रार्थना सभा होगी, उसमें सभी कांग्रेस की लीडरशिप वहाँ पर मौजूद होगी। कई सारे नेता आज शाम तक, रात तक ही पहुँच रहे हैं, और राहुल जी, सोनिया जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, प्रियंका जी कल सुबह आएंगे 9:15 तक, और 9:30 हम प्रार्थना सभा साबरमती आश्रम में करके फिर 10 बजे के आसपास शहीद स्मारक में शहीदों को नमन करके सरदार पटेल नेशनल मेमोरियल में ये CWC की बैठक का वहाँ पर हम शुभारंभ करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले की ये CWC बैठक, और कल ही कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक देश के लिए, देश की जनता के साथ संवाद करने का ये बड़ा मौका के रूप में भी हम देख रहे हैं।